तो आज एक स्पेशल चीज जो बड़ी कॉमन होती है और वो होती है हार्ट अटैक। होती है, नहीं होती है? और हार्ट अटैक जब होता है तो कोई निश्चित समय नहीं करता कि दोपहर को होगा कि रात को होगा। और ज्यादातर हार्ट अटैक कब होते हैं? रात को 3 बजे। रात को 3 बजे हार्ट अटैक हो अगर, तब क्या करें? बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। और बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद में ही कंडीशन ऐसी बनी कि हॉस्पिटल ले जाकर के और उसको देखा, ऐसे डॉक्टर ने देखा तो बोला कुछ भी नहीं, खत्म हो गया। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि खत्म हो गया, तब फिर डॉक्टर क्या करते हैं? पंपिंग करते हैं। और पंपिंग करने के बाद उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, और रिवाइव तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति को 15 मिनट हो गए तो व्यक्ति परमानेंट डैमेज जैसा हो जाता है और बेड पर ही रहता है। वो जब तक जिएगा उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी। वो दोबारा से जीवित तो हो गया, लेकिन उसके हाथ पैर की सारी मूवमेंट एकदम खत्म हो गई। अभी अगर उसको ये पता हो या सामान्य व्यक्ति को ये जानकारी हो कि हार्ट अटैक हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं और उस समय मैं क्या करूं जिससे कि मेरा ये हार्ट अटैक बच जाए, रुक जाए, वह जो मेरे पास आ रहा है तो वो एकदम निकल जाए, तो वो टेक्निक आज मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसको सिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको एक चीज की जानकारी दूंगा कि आखिर हार्ट अटैक जब होता है तो वो कठिनाई क्या होती है। आपने मार्कस, ये जो हमारा हार्ट होता है इस तरह से, ध्यान करना, इसकी जो अपनी सप्लाई है ना, हार्ट सारे शरीर को सप्लाई देता है, लेकिन हार्ट की अपनी सप्लाई जब गड़बड़ होती है तब हार्ट अटैक होता है। शरीर को सप्लाई दे रहा है उसमें हार्ट अटैक नहीं होता, अपनी सप्लाई जब गड़बड़ होती है। तो ये जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं, इनमें कहीं छोटा सा ब्लड क्लॉट आया किसी एक के अंदर, और वो ब्लड क्लॉट आ गया और उसको आगे जाने नहीं दे रहा, ऐसे में सर्कुलेशन मिला नहीं, हार्ट मसल्स कमजोर हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया, और उसके सिम्टम्स क्या आते हैं ये ध्यान करना। तो हार्ट अटैक जब होता है तो सबसे पहले क्या सिम्टम आता है पता है? चेस्ट पेन आएगा, यहां पर हल्का हल्का पेन आए, हो सकता है बाजू में दर्द आ जाए, थोड़ा 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 बाजू में दर्द आ रहा है, कई बार पिंचिंग पेन आता है, जैसे ना कोई चुभा रहा हो, कोई ऐसे चुभा रहा हो, ऐसा दर्द आएगा चुभाने वाला। कभी कभी चुभाने वाला दर्द नहीं आता, कंटिन्यूस ऐसा दर्द बना रहता है, कभी इधर ना होकर के पीछे भी दर्द होता है, पीछे की साइड भी दर्द होता है, ये कभी गैस के कारण भी हो सकता है, कभी सर्वाइकल के कारण भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है। साथ ही अगर व्यक्ति को पसीना आना शुरू हो जाए तब कंफर्म कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम मोर देन 90% है, 90% अगर ये दोनों सिम्टम्स मिल रहे हैं, दर्द भी हो रहा है और पसीना भी आ रहा है, तब समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपके पास क्या है, क्या करें उस समय पर जब ऐसा कुछ आ रहा है? तो मैं आपको वो अभ्यास अब बताना चाहूंगा कि ऐसे में क्या करें। तो उसको आराम से बिठाना चाहिए, ऐसे किसी को भी आ रहा है, और उस समय आगे हल्का सा बेंड होकर तेजी से खांसना चाहिए। क्या करना चाहिए और कैसे खांसना चाहिए, ये मैं खुद भी खांसता हूं और आपको भी बताऊंगा, आप भी खांसेंगे, ठीक है? आप भी खांस के दिखाएंगे, पर पहले देखो कैसे खांसना है। हार्ट अटैक से बचने का अचूक रामबाण उपाय है ये, क्योंकि जो ब्लड आया था, ब्लड क्लॉट, वो बाहर निकलना चाहिए, और उसके लिए खांसी ये बहुत गजब की चीज है। और कैसे खांसना चाहिए, तो जैसे आए तो इस तरह से खांसना चाहिए। तो तैयार है खांसने के लिए? चलो,
हंसना शुरू करेंगे। हंसी पर जैसे इनका चेहरा लाल हुआ ऐसे चेहरा लाल होना चाहिए। तो दर्द हो गया मेरे, कैसे वो दर्द में ही खांसा जा सकता है? तभी क्या होगा, जब चेस्ट पेन होगा ना, उसको पता होगा कि ये खांसी बचा लेगी। अगर चेस्ट पेन हो उसको पता है कि छत से कूदने पर ठीक हो जाऊंगा, कूद जाएगा, क्योंकि उसे पता है एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ कठिनाई है, तो क्या चुनेगा? कठिनाई चुनेगा। इंटरनल भी यह खांसी रोज रूटीन में करते रहने से, केवल यह खांसी रोज रूटीन में करने से आपकी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। इंटरनल भी नॉर्मली लोग गर्गल करते हैं ना, गहरे गर्गल करते हैं, अगर वो गर्गल करते हैं तो उससे भी खांसी कम हो जाती है। लेकिन यह करने के बाद केवल टल गया है, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हार्ट अटैक से टलना है और बचना है तो उसके लिए दो तीन चीजें और भी करनी होगी। एक करना होगा परहेज में और दूसरा करना होगा ट्रीटमेंट के अंदर हार्ट अटैक से बचने के लिए। तब फिर किसी को भी, अपने घर के किसी व्यक्ति को भी बुलाकर तुरंत को आओ मेरे पास, और कैसे करो, आप आओ या आप आ जाओ। मान लो ऐसे तकलीफ आई, ये हटाओ, बहुत गजब मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ये प्रूव्ड तरीका बता रहा हूं, प्रूव्ड। और वो मेरी माताजी के साथ ऐसा होता है। मेरी माताजी 90 प्लस हैं, पर जब भी कभी थोड़ा काम कर लिया कुछ और ऐसा ज्यादा हो गया, और भगवान की कृपा से उनको वैष्णो देवी जाने में भी अभी 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती थी, सब कुछ अपने आप करती हैं। लेकिन उम्र के कारण से थोड़ा कुछ हार्ट में वीकनेस है। डॉक्टर ने कहा कि पेसमेकर होने लगेगा। मैंने कहा जी माताजी पेसमेकर बोले छोड़, मैंने जिंदगी में आज तक कभी दवाई नहीं खाई है, पेसमेकर की बात करता है, मना कर दिया। अब क्या हो गया है घर में, जब भी उनको इधर ये तकलीफ आती है, ठीक से बढ़ोती, जब भी इधर तकलीफ आती है वो तुरंत बच्चों से कहती है, छोटे छोटे बच्चों से कहती है, आओ मेरे जरा करो वही। तो ऐसा जो आपने नेक क्लॉकवाइज सीखा है ना, आज सीखा है, बस लेफ्ट साइड में इतना ही करती है बस। कोई बच्चा ऐसे करेगा, उनको ऐसे यहां से आगे और यहां से ये पीछे, जैसे ही ऐसे करता है मेरी माता जी का दर्द 1 मिनट में ठीक हो जाता है। बहुत बार ऐसा लगा कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मैं नहीं था घर में, भाई साहब वगैरह थे, तो बहुत बार ऐसा था कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उनको ये ध्यान में था कि ऐसे ऐसे करने से मैं ठीक हो जाती हूं, ये हमारा ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी का। लेकिन वो ऐसा करती हैं और वो एकदम कराती हैं और ठीक हो जाती हैं, और ऐसा 20 बार अभी तक उन्होंने कराया, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको ठीक नहीं हुआ। वो कहती हैं ऐसा लगता है जैसे आग पर पानी डाल दिया हो, वो ऐसा बोलती हैं, जैसे आग पर पानी डालते ना। तो मात्र यही नेक क्लॉकवाइज करने से, ऐसे जो आपने भी सीखा, पूरा ये नेक को क्लॉकवाइज करने से क्या हो जाएगा। तो 2 प्रयोग मैंने बताए, अगर लगे कि हार्ट में तकलीफ है, आ रही है, पसीना आ रहा है, तो पहले क्या शुरू करना, खांसी, और उसके बाद दूसरा क्या कराना, नेक क्लॉकवाइज। अगर हम इतना करा लेते हैं तो हार्ट की समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। और साथ ही ऐसे व्यक्ति को कुछ खाने पीने के परहेज करना बहुत जरूरी है, जिनमें से चिकनी चीजों को एकदम छोड़ना चाहिए, चिकनी चीज, घी, तेल, तली हुई चीजें एकदम छोड़नी चाहिए, केवल देसी गाय का घी ले सकते हैं, व्हाइट सुगर, चीनी एकदम छोड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का ऑयल, डालडा वगैरह कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और व्हाइट सॉल्ट, सफेद नमक, सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को खून को सहज पतला करने वाली कुछ चीजें, जैसे पेठे का रस,
खाली पेट पेठे का रस, पेठा समझते ना, फल आता है, पेठे का रस, एक ग्लास पेठे का रस। और पक्का हार्ट से बचना है तो ब्रेकफास्ट, सुबह पेठे का रस लेने के बाद ब्रेकफास्ट जितने भी फल मिलते हैं उनमें से करें फल। लंच केवल सैलेड से करें, पर्याप्त मात्रा में सलाद खाए दोपहर, और बहुत आवश्यक है शाम को तो चपाती सब्जी इतनी चीजें खाए। अगर यही प्रक्रिया अपना ली तो ट्राइग्लिसराइड्स वहां से नीचे आ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल ऊपर से नीचे आ जाएगा, और जिनका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आगे निकल गया, उत्तर प्रदेश पीछे हो गया, उनका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के आगे नहीं जाएगा, बराबर में रहेगा। तो आज मैंने आपको हार्ट अटैक से कैसे बचें और अगर आ रहा है तो तुरंत कैसे ठीक करें, ऐसी एक टेक्निक आपको बताई। चलिए, कल्पना करें आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी शरीर के किसी एक अंग को छूने मात्र से खत्म हो सकती है, ठीक हो सकती है, तो आप अपनी जिंदगी में क्या महसूस करेंगे? जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, आर्थराइटिस, अस्थमा, माइग्रेन, डिप्रेशन, फटीक यानी थकान, घुटने का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, फ्रोजन शोल्डर, कोहनी का दर्द, कलाई का दर्द, मंदबुद्धि बच्चे और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यह रोग अगर पल भर में खत्म हो जाता है तो आपकी जिंदगी के अंदर कितना बड़ा बदलाव आएगा। मैं शेयर करने वाला हूं शरीर के वो गुप्त रहस्य जो पल भर में पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से मुक्त कर सकते हैं। ये वो रहस्य हैं जिनको हजारों वर्ष पहले हमारे वैदिक ऋषियों ने आध्यात्म की उच्च अवस्था में प्राप्त किया था, जिससे राजा महाराजाओं का उपचार करते थे और उनको निरोगी रहने की व्यवस्था करते थे। लेकिन हजारों वर्षों से डीकोड न होने के कारण हमारे सामने पुनः नहीं आए। आरोग्यपीठ लेकर आया है ऐसी जन क्रांति, जिसको प्रारंभ कर दिया है, जिसको शुरू कर दिया है कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व बिना दबा, बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी मशीन के न केवल रोग से मुक्त होगा, इवन आरोग्य का बहुत बड़ा वरदान उसको प्राप्त होगा। ऐसी जन क्रांति, आरोग्य क्रांति, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय का एक लक्ष्य आरोग्य पीठ ने सारी दुनिया के लिए प्रारंभ किया है। आओ हम सब मिलकर इस सपने को साकार करते हैं। आज और अभी रजिस्टर करें हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में और एक एक कर जाने वो सारे रहस्य जिससे बदलेगा आपका जीवन और आपका भविष्य।